हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट स्टडी। मैं आपको हिस्ट्री का लेक्चर करवा रही हूँ JKSSB क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के लिए। GA का जो सेक्शन है आपका वो 40 मार्क्स का है, और अभी हमारा इंडियन हिस्ट्री चल रहा है। मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री कवर करवा चुकी हूँ, एंड आज से आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट मैं स्टार्ट करवा रही हूँ। अगर आपको बाकी के लेक्चर्स भी देखने हैं तो यू कैन सिंपली गो टू प्लेलिस्ट ऑप्शन, और वहाँ पर आपको JKSSB के लिए जनरल अवेयरनेस वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से आप जो है बाकी पिछले लेक्चर्स जो हैं वो पढ़ सकते हैं। ओके, ये लेक्चर हमारा जो है वो हर रोज़ शाम को 4 बजे आपके लिए अपलोड हो जाता है, सो यू कैन चेक इट आउट एवरी डे एट 4 PM। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वेयर फेसबुक पर आपको चैनल की अपडेट्स मिलती रहती है, इंस्टाग्राम पे वी कीप यू अपडेटेड विद द चैनल एंड ऑल्सो गिव यू सम टिप्स एंड ट्रिप्स रिलेटेड टू GK जो आप याद रख सकते हैं। एंड टेलीग्राम पर आपके डेली क्विजेज होते हैं विच आर वेरी हेल्पफुल टू चेक योर प्रेपरेशन एंड टू रिवाइज whatever यू हैव लर्न सो फार। ओके, सो इन सब के जो लिंक्स हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं। आप वीडियो के टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल होता है, आप टाइटल पर क्लिक करेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, वहाँ से आपको लिंक्स प्रोवाइड हो जाएंगे, सो यू कैन गो एंड ज्वाइन देम। आज का हम देख लेते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने लास्ट छोड़ा था औरंगजेब पर, ठीक है, हम मुगल्स की बात कर रहे थे लास्ट, जहाँ पर हमने औरंगजेब पर छोड़ा था, तो हम वहीं से आगे फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। औरंगजेब के टाइम पे ही बहुत सारे रिबेलियंस, क्योंकि वो ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ इस्लाम, वो बहुत कट्टर थे, तो इस वजह से बहुत सारे लोग उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उनके खिलाफ थे। वन ऑफ देम वॉज मराठास। तो ये टाइमलाइन है मराठास की एक्चुअली में, जो आई वॉन्ट यू टू लर्न दिस टाइमलाइन, कि पहले शिवाजी आए, फिर शांभाजी, राजा राम, देन ताराबाई, शाहूजी, देन बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव वन, बालाजी बाजीराव टू। दीज आर द मेजर यू कैन से रूलर्स, किंग्स, नॉट किंग्स, मेजरली रूलर्स जो मराठा किंगडम में आपके थे, ठीक है। ये क्रोनोलॉजी है जो आपको याद रखनी है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि कई बार ये क्या होता है कि आपको सिर्फ क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है एग्जाम में ऑप्शंस के तौर पे, तो आपको पता होना चाहिए पहले कौन आया था और बाद में कौन आया था। सो लेट्स स्टार्ट विद शिवाजी। देखिए, शिवाजी के पेरेंट्स का नाम था शाहजी और जीजाबाई, इनके गुरु का नाम था रामदास सम्राट। इन्होंने अपने पिताजी से जागीर ली पूना की 1627 में, और उसके बाद क्योंकि औरंगजेब पे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे लोग अगेंस्ट थे औरंगजेब पे, तो ही अटैक्ड सूरत पोर्ट, जो उस टाइम का पोर्ट माना जाता था, उसे अटैक किया और औरंगजेब को हरा दिया, ठीक है। 1665 औरंगजेब ने उसे हरा दिया विद द हेल्प ऑफ जयसिंह 1665 में, और उसके बाद ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी 1665 में, क्योंकि वो हार गए थे ऑफकोर्स। शिवाजी के टाइम पे अगर आपको कुछ चीज़ें याद रखनी हैं तो वो दो चीज़ें याद रखनी हैं जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में काम आती थी। एक तो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में अष्ट प्रधान होते थे, मतलब 8 मिनिस्टर्स होते थे, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स होते थे, ठीक है। और उनमें से जो हाईएस्ट पोजीशन जिसे मिलती थी, जो चीफ होता था उन मिनिस्टर्स में से, ही वॉज नोन एज पेशवा, ठीक है। तो 8 मिनिस्टर्स जिन्हें अष्ट प्रधान बोला जाता था, एंड ऑल्सो देर वर 2 टैक्सेस जो मराठास को दिए जाते थे। वन वॉज चौथ, चौथ मीन्स 1/4 जो लैंड रेवेन्यू का होगा वो मराठास को दिया जाएगा, बट उसके लिए मराठास को अपनी जो रेड्स हैं, जो अपनी मराठास रेड्स करते थे मुगल्स टाइम पे, तो उसे वो छोड़नी होगी। एंड सेकेंडली सर देशमुख जो था वो एक्स्ट्रा 10% टैक्स था लैंड रेवेन्यू पे ही, ये कलेक्ट जो थे वो मुगल्स करते थे और बाद में ये मराठास को दिया जाता था, ठीक है। तो शिवाजी की डेथ होगी, शिवाजी को एक्चुअली ने औरंगजेब ने बहुत ही चालाकी से पकड़ा था, इन्हें कैदी भी बना के रखा, बट लेटर ऑन वो भाग गए औरंगजेब की जेल से, ठीक है। और लेटर ऑन फिर क्या हुआ कि इनके बाद शांभाजी और शाहू जी जो थे वो औरंगजेब ने बंदी बना लिए, ठीक है। पर थोड़ी देर के लिए पहले शांभाजी ने, जो कि एल्डर सन थे शिवाजी के, उन्होंने राज किया था, ठीक है। आफ्टर शिवाजी, शांभाजी ही मराठा किंगडम के रूलर थे,
और शांभा जी वो जब पकड़ लिया औरंगजेब ने, और शाहू जी उनके जो भाई थे मतलब कजन ब्रदर थे शाहू जी, तो उन इन दोनों को पकड़ लिया गया। तो राजा राम जो कि छोटे बेटे थे शिवाजी के, उन्हें जो है वो रूलर बनाया गया। ठीक है, तो उन्होंने अपने टाइम पे बहुत काम किया मराठास को लेके, बट 1700 में उनकी डेथ होगी और उनका बेटा काफी छोटा था, तो उनके बेटे को नेक्स्ट रूलर बनाया गया 1707 में। आई एम सो सॉरी, 1700 में उनके बेटे को ही राजगद्दी पर बिठाया गया, बट क्योंकि वो बहुत छोटा था तो ताराबाई केम इन टू रूल। ताराबाई ही उन्हें असिस्ट कर रही थी ड्यूरिंग द रूल। ओके, अगर आप मेरे से पूछें कि राजा राम के बेटे का नाम क्या था, तो राजा राम के बेटे का नाम था शिवाजी 2। ठीक है, तो शिवाजी 2 को बिठाया गया था और ताराबाई उनकी आप मान लीजिए मेंटोर के तौर पे बैठी हुई थी। तो मेनली शिवाजी 2 करते कुछ नहीं थी, वो सिर्फ नॉमिनी थे और सारा काम धाम यही संभालती थी। बाद में शाहू जी को मुगल्स ने रिलीज कर दिया, बहादुर शाह जो थे औरंगजेब के बाद जो मुगल रूलर आए थे उन्होंने रिलीज कर दिया। मैं भी आपको बताऊंगी उनके बारे में भी आगे। और उसके बाद शाहू जी गए ताराबाई से, उन्होंने लड़ाई की इन द बैटल ऑफ खेड़, और शाहू जी वो जीत। ओके, एंड देन शाहू जी वॉज गिवन टाइटल ऑफ रूलर बाय फारूक सियार। ठीक है, बहादुर शाह ने उन्हें छोड़ा था बट फारूक सियार ने उन्हें टाइटल दिया था रूलर का वापस से मराठा किंगडम के। ठीक है, तो शाहू जी के टाइम पर जो उनके पेशवा थे उनका नाम था बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट पेशवा जिन्होंने शाहू जी की हेल्प की। और शाहू जी जब बने जो किंग रूलर बने मराठास के, उसके बाद से ही पेशवा सिस्टम भी स्टार्ट हो गया, जहां पर एक नॉमिनी किंग होता था बट मेनली जो मराठास का काम था वो कौन संभालते थे, पेशवा संभालते थे। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आएगा आपको हु वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा किंगडम, सो ही वॉज बालाजी विश्वनाथ। और उनके बाद जो पेशवाई जो थी वो आगे उनके बेटे बाजीराव को गई, और उसके बाद बाजीराव के बाद बालाजी बाजीराव को गई, जिसका जो कि उनके बेटे थे जिनका दूसरा नाम आप नाना साहेब भी जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा मराठा से रिलेटेड। एक और फैक्ट आपको मराठा से रिलेटेड याद रखना है कि मराठाज ने अहमद शाह अब्दाली के साथ एक बैटल लड़ी थी। ठीक है, उस बैटल का नाम था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 1761 में लड़ी गई थी। इस बैटल के बाद ही मराठा पावर जो थी वो ऐसा ऐसा डिक्रीज होना शुरू हो गई, एंड उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आ गए तब भी मराठास की बहुत लड़ाई हुई है उनसे। तीन मेनली इन्होंने आई थिंक 3 और 4 एंग्लो मराठा वॉर्स हुई हैं, और बाय द एंड ऑफ थर्ड मराठा वॉर्स मराठा एम्पायर जो था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। क्योंकि जैसे जैसे किसी भी वॉर में क्या होता है या बैटल में क्या होता है ब्रिटिशर्स के साथ जनरली, कि वो आपकी पावर्स को लिमिट कर देते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मराठा एम्पायर ख़त्म हो गया। सो नाउ लेट्स सी जो हमारे जो औरंगजेब थे उनके बाद जो मुगल्स आए थे उन्होंने क्या क्या काम किया है मुगल एम्पायर के लिए। क्योंकि अगर किसी ने भी थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पढ़ी है तो एवरीबडी नोज टिल द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मुगल्स वर देयर, मुगल्स बैठे हुए थे। इनफैक्ट 1857 की रिवोल्ट जो थी उसमें मुगल जो थे उस टाइम के जो रूलर थे हु वॉज बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह 2, उन्हें ही हेड बनाया गया था उस रिवोल्ट का, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली की जो गद्दी थी वो वही संभाल रहे थे। ठीक है, तो बहादुर शाह से शुरू करते हैं। औरंगजेब के बाद आए उनके बेटे बहादुर शाह 1, बट औरंगजेब जितने की स्ट्रिक्ट रूलर थे ये उतने ही लीनियंट थे, ये बना के रखना चाहते थे सबके साथ। ठीक है, तो मुआज़्ज़म था बहादुर शाह 1 का नाम किंग बनने से पहले। ठीक है, तो जब औरंगजेब की डेथ होगी तो मुआज़्ज़म जो थे उन्होंने बहादुर शाह का टाइटल अटेन किया। इन्होंने ही मराठास को सरदेशमुखी दी बट चौथ नहीं दिया था। ठीक है, एक चीज़ दी थी दूसरी चीज़ नहीं दी थी, मैंने अभी आपको समझाई ये दोनों टैक्सेस क्या होते हैं। इन्होंने जो शांभाजी के बेटे थे शाहू जी, इन्हें रिलीज किया था प्रिजन से। ठीक है,
मैंने आपको बताया था कि जो शाहू जी थे वो जो शांभा जी थे उनके सन थे, उन्हें रिलीज किया, और हु लेटर फॉट विद ताराबाई। ताराबाई जो कि राजा राम की वाइफ थी, जिन्हें गद्दी पर, जिन्होंने अपने बेटे को गद्दी पर बिठाया हुआ था, उनके साथ लड़ाई की। इन्होंने ही, बहादुर शाह ने ही सिखों से भी पीस करने की ट्राई की थी। सो ही एक्चुअली मेड पीस विद गुरु गोबिंद साहिब, ठीक है, उन्हें हाई मनसब का टाइटल दिया गया। बट जब गुरु गोबिंद सिंह की डेथ हो गई तो उनके बाद आए बंदा बहादुर, जिनकी लीडरशिप में सिक्स ने वापस मुगल्स के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, जिसकी वजह से सिक्स मुगल्स के साथ वॉर भी की उन्होंने, ठीक है। तीसरी चीज़, इन्होंने राजपूत के साथ पीस करने की ट्राई की। तो इन्होंने छत्रसाल के साथ, बुंदेला चीफ के साथ, और चौरमिन जो जाट चीफ थे, छत्रसाल बुंदेला चीफ थे और चौरमन जो थे वो जाट चीफ थे, इन दोनों के साथ इन्होंने सुलह कर ली, इन्होंने कुछ अग्रीमेंट्स कर लिए ताकि इन इनके आपस में वॉर ना हो, ठीक है। व्हेन ही डाइड देन फारूक सिया सॉरी जहानदार शाह केम, ठीक है, जहानदार शाह जो थे वो बहादुर शाह के बेटे थे और उन्होंने थ्रोन लिया विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। इस टाइम पे, जहानदार शाह के टाइम से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया मुगल्स के में, वो था वजीर का। वजीर, जैसे मैंने आपको वहां पर बताया, मराठास में पेशवा जो थे वो हेड माने जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, इन द सेम वे वजीर इन यहाँ पर एक वर्चुअल हेड माने जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन के। तो पहले वजीर कौन है मुगल एम्पायर के? ही वॉज जुल्फिकर खान, ठीक है। तो जुल्फिकर खान ने ही क्या किया, जिजिया सिस्टम हमारा खत्म कर दिया वापस से, जो औरंगजेब ने वापस से स्टार्ट करवा दिया था। इन्होंने राजपूत के साथ पीस की, जो जयसिंह थे अंबर के, इन्होंने उन्हें गवर्नर बना दिया मालवा का, और अजीत सिंह जो थे मारवाड़ के, उन्हें गुजरात का गवर्नर बना दिया। इन अ वे इन्होंने जयसिंह को मालवा और अजीत सिंह को गुजरात का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो संभालने को दे दी। जहानदार शाह ने ही क्या किया था, चोथ और सरदेशमुखी जो थी वो दोनों प्रोवाइड कर दी थी मराठास को, ठीक है। इससे पहले तक सिर्फ सरदेशमुखी दी गई थी। इन्हीं के टाइम पे आपको एक और चीज याद रखनी है, विच इज इजारा सिस्टम। इन्हीं के टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या फिर रेवेन्यू फार्मिंग शुरू हुई थी, जिसे इजारा सिस्टम बोलते थे। अब जब जहानदार शाह को बाद में उन्हीं के नेफ्यू ने हरा कर गद्दी पर वो बैठ के, ठीक है, तो उनके नेफ्यू का नाम क्या था? फारूक सिया। तो जहानदार शाह जो थे, इन्होंने सिर्फ एक साल के लिए ही रूल किया है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ही रूल फॉर जस्ट 1 ईयर एंड देन फारूक सिया केम इन टू रूल। फिर आए फारूक सिया, तो अगर उनके वजीर थे जुल्फिकर खान तो इनके भी कोई वजीर होंगे। तो इन्होंने सैयद ब्रदर्स की हेल्प से अपने ही चाचा को मार दिया था। जो सैयद ब्रदर्स थे, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, वन वॉज हुसैन अली खान और दूसरे थे अब्दुल्ला खान, ठीक है। अब्दुल्ला खान जो थे वो वजीर थे और हुसैन अली खान जो थे वो मीर बख्शी थे। मीर बख्शी मतलब जो आर्मी का ध्यान रखेंगे, और वजीर मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखेंगे, ठीक है। फारूक सियार जो थे वो इनकेपेबल रूलर थे, तो सैयद ब्रदर्स को ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे थे, वो मतलब उन ये जो फारूक सियार थे वो ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान नहीं देते थे। तो सैयद ब्रदर्स ने ही क्या कर लिया, मेन रूलर्स बन गए, रियल रूलर्स बन गए। कैसे? क्योंकि सारा काम तो वही करते थे, फारूक सियार वॉज जस्ट ए नॉमिनी हेड अगेन। तो इन्हीं के टाइम पे ये इन्होंने एक रॉयल फरमान जो था वो ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड करा दिया था, जिससे ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेड करने आ सकते थे इंडिया में। और इसे ही रॉयल फरमान को ही मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल भी बोला जाता है। इन्होंने कहाँ कहाँ ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया था ट्रेड करने के लिए? हैदराबाद, अहमदाबाद और बंगाल में इन द ईयर 1715 AD, ठीक है। अगर हम सैयद ब्रदर्स की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में इन्हें किंग मेकर्स के नाम से बोला जाता है, क्योंकि इस टाइम से फारूक सियार ने सैयद ब्रदर्स की हेल्प से अपने चाचा को मारकर बन गए थे। तो मतलब कि सैयद ब्रदर्स ने ही फारूक सियार को राजा बनाया, तो वो क्या बन गई? किंग मेकर्स, ठीक है। इन्होंने मराठास जो थे, मैंने आपको पहले भी शाहू जी के टाइम पे भी बताया कि फारूक सियार ने जो शाहू जी को स्वराज्य दिया था या फिर टाइटल दे दिया था रूलर का, ठीक है, तो और उन्हें ही
दक्कन के कुछ 6 प्रोविंस दे दिए जहाँ से सरदेशमुखी और चोप जो थे वो खुद कलेक्ट कर सकते थे। उससे पहले मैंने आपको बताया कि मुगल्स कलेक्ट करके उन्हें मराठास को देते थे, ठीक है। फिर आए मोहम्मद शाह रंगीला, फारूक सियार जब उसके बाद आए मोहम्मद शाह रंगीला, ये जो थे ये बहुत ही मस्त मिजाज के रूलर थे। इनका एक ही काम था, शराब पीना और मस्त रहना। मेनली रंग मतलब जो एंटरटेनमेंट थी इनके टाइम पर बहुत ज़्यादा थी, इनके जो महल था उसमें, ठीक है। तो ये जनरली नेगलेक्ट करते गए स्टेट्स को। इनके टाइम पे जो वजीर थे ही वॉज निज़ामुल खान, जिन्हें इनका काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। तो लेटर ऑन इन्होंने छोड़ दिया मोहम्मद शाह रंगीला को और उन्होंने हैदराबाद की स्टेट फाउंड की और वहीं पर जाके वो वजीरियत संभालने लगे, ठीक है। देखिए, हिज डिपार्चर वॉज सिम्बॉलिक ऑफ द फ्लाइट ऑफ लॉयलिटी एंड वर्च्यू फॉर द एम्पायर। ये निज़ाम उल खान के लिए बोला हुआ है कि ये जो निज़ाम उल मुल्क थे, उन्होंने जब छोड़ा फारूक से ये मोहम्मद शाह रंगीला को, तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने लॉयल्टी ब्रीच की है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि बहुत सारे क्योंकि ये लोग मस्त रहते थे तो बहुत सारे छोटे छोटे युद्ध होने लगे। नवाब्स जो थे वो बंगाल के, हैदराबाद के, अवध के, पंजाब के, वो आपस में लड़ने लगे। मराठास जो थे उन्होंने मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड ये सब जीत लिया इनसे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा क्या हुआ, पावर जो है और एरिया जो है वो कम होने लगा। मुगल जो हमारी मुगल एम्पायर है उनका एरिया कम होने लगा। देन उसी टाइम पर नादिर शाह ने भी इन्वेजन की। नादिर शाह का मेन एम था इंडिया को लूटना, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला को प्रिजनर बना लिया। 70 करोड़ के आसपास इंडिया को इन्होंने लूटा। पीकॉक थ्रोन भी ले गए, कोहिनूर भी ले गए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर किसने बनवाया था, ठीक है। और नादिर शाह के इन्वेजन से पता चला कि अब जो है मुगल एम्पायर वो बहुत वीक हो चुका है। मराठा सरदार और बाकियों को पता चला, इसलिए मैंने आपको बताया कि मराठास ने भी गुजरात, मालवा वगैरह जीत लिया था और बाकी जो छोटे मोटे भी ग्रुप्स थे अपने अपने एरियाज में, उन्होंने भी जो थे इनके खिलाफ वॉर्स करना शुरू कर दी थी, ठीक है। तो नादिर शाह जब गए, उसके बाद आए अहमद शाह अब्दाली, जो कि नादिर शाह के ही एक जनरल थे। नादिर शाह एक ही बार इंडिया आए और उसके बाद अहमद शाह अब्दाली बार बार इंडिया आते गए और बार बार उन्हें लूटते गए। ही केम टू इंडिया 5 टाइम्स और अहमद शाह अब्दाली के साथ ही 3rd बैटल ऑफ पानीपत लड़ी थी मराठास ने, ठीक है। अब देखो, एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह एंड अहमद शाह अब्दाली, द मुगल एम्पायर सीज टू बी एन ऑल इंडिया एम्पायर। और उसके बाद मैंने आपको बताया जैसे आहिस्ता आहिस्ता वो किंगडम जो था वो दिल्ली तक ही सीमित रह गया। क्योंकि देखो, अगर नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को प्रिजनर बनाया तो वो क्यों छोड़ेगा उसे? वो तभी छोड़ेगा उसे अगर वो उसे कुछ इन रिटर्न देगा। तो मोहम्मद शाह अब्दाली ने सॉरी मोहम्मद शाह रंगीला ने अपने आप को छुड़वाने के लिए इसे जो थे नादिर शाह को के साथ ट्रीटीज की, एंड इसकी वजह से और बाकी क्योंकि ही वॉज नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू बी द रूलर, तो इसी वजह से जो मुगल एम्पायर था वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होता गया और सिर्फ दिल्ली तक ही मुगल एम्पायर सीमित रह गया। उससे पहले तक क्या था, मुगल एम्पायर पूरे इंडिया में राज करता था, ठीक है। देन केम द नेक्स्ट रूलर, अहमद शाह बहादुर। मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह बहादुर आए, बट उनके जस्ट उन्होंने थोड़ी देर राज किया, इन्होंने कुछ ज़्यादा किया नहीं है इसलिए मैंने ज़्यादा बताया नहीं है। देन केम आलमगीर टू, ठीक है। आलमगीर टू के टाइम पे अब्दाली आए थे वापस से, उन्होंने मथुरा को प्लंडर किया, मथुरा को लूटा। उसके बाद आलमगीर टू के बाद आए शाहजहां थ्री, एंड शाहजहां थ्री के बाद आगे शाह आलम सेकेंड। शाह आलम सेकेंड क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के टाइम पर इन्होंने, क्योंकि इनको भी पता था कि अब मुगल एम्पायर बहुत वीक हो गया है, तो इन्होंने बंगाल के मीर कासिम और अवध के शुजाउद्दौला के साथ मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर की थी, विच वॉज द बैटल ऑफ बक्सर। क्योंकि
इनको इनके टाइम पर, अब मैं ऐसा ऐसा जब आपको आगे ब्रिटिशर्स के बारे में बताऊंगी तो मैं ये बताऊंगी कि ब्रिटिशर्स जो थे दे केम टू इंडिया विद दी इंटेंशन ऑफ ट्रेडिंग, बट जैसे ही उन्हें दिखा कि यहाँ पर तो बहुत वीक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये लोग चापलूसी को ही मानते हैं बहुत ज़्यादा, तो दे ट्राई टू गेन सम पावर ऑल्सो, और उसी चक्कर में बैटल ऑफ बक्सर भी हुई थी, आई विल एक्सप्लेन इट लेटर, डोंट वरी। और उसके बाद ही वॉज पेंशन एट अलाहाबाद, और फिर बाद में दिल्ली इनको भेज दिया गया था 1772 में अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ मराठास। इसके बाद शाह आलम टू के बाद आए थे अकबर टू, ठीक है। अकबर टू जो थे उन्होंने भी ज़्यादा कुछ, मैं आपको उनके बारे में प्रोमिनेंट नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। द वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज कि राजा राम मोहन रॉय जो कि बहुत फेमस है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो अकबर टू के टाइम पर थे, एंड अकबर टू ओनली गेव हिम द टाइटल ऑफ राजा, और उसके बाद उन्हें लंदन भेजा गया था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से बात कर सकें, क्योंकि उन्हें भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में घुसना पसंद नहीं आ रहा था। बट लेटर ऑन अकबर टू ऑल्सो, सॉरी, राजा राम मोहन रॉय डाइड, ठीक है। और देन केम बहादुर शाह जफर, जिसके बारे में मैं आपको जब मैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 बताऊंगी तब मैं आपको पढ़ाऊंगी उनके बारे में, ठीक है। तो आफ्टर 1759 मुगल एम्पायर सीज टू बी अ मिलिट्री पावर। मैंने आपको बताया कि आहिस्ता आहिस्ता मुगल एम्पायर का जो दबदबा था वो काइंड ऑफ खत्म ही हो गया था, एंड देन ब्रिटिश ने दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया था 1803 में, ठीक है। 1803 से 1857 तक क्या था, मुगल एम्प्रेस को जस्ट गद्दी पे बिठाया हुआ था, पर चला कौन रहा था पूरा दिल्ली को, ब्रिटिशर्स। एंड देन 1857 में, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे अलग अलग जगह से, सिपॉय म्यूटनी भी हो गई थी, बहुत कुछ हुआ, एंड एवरीबडी कंबाइंड टुगेदर, दे यूनिफाइड टुगेदर टू रिवोल्ट अगेंस्ट दिस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और दैट वॉज नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857। ओके, सो विल टॉक अबाउट रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो विद दिस आई कंप्लीट योर लेक्चर। मैं आज आपके लिए 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, आई होप ये आपको आ जाएंगे। द क्वेश्चंस ऑफ द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस इज बीइंग हिडन इन द वीडियो। इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, प्लीज रीप्ले इट एंड वॉच इट एंड यू विल गेट द आंसर्स। आई नीड ऑल ऑफ यू टू कॉमेंट डाउन बिलो विद द आंसर्स सो दैट आई कैन नो कि आप कितने सीरियसली पढ़ रहे हैं। इन दैट वे वी कैन कनेक्ट बेटर। And thank you. I'll come up with the next lecture. Till then, bye bye.